गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स यानी लौंग का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को वाइट लाइट ब्राइट बना सकते हैं, आप अपने एक्ने पिंपल्स को क्योर कर सकते हैं, उनके दाग धब्बों को हटा सकते हैं, यानी अपनी स्किन को बिल्कुल प्योर बना सकते हैं। आप इनका यूज करके अपनी स्किन से ब्लैमिश, झाइयाँ, पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह, अनइवन स्किन, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हटा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास बहुत सारा लौंग है, मैं इनको कभी हेयर के लिए कभी स्किन के लिए हमेशा यूज करती रहती हूँ। तो इसका आज हम क्रीम बनाने जा रहे हैं, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ से लौंग को हटा दूंगी और ये हमारा जो कूटने वाला है इसको ले आऊंगी। इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ लौंग, आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल के भी आप इनका पाउडर बना सकते हैं। मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब लौंग लिया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इनको अच्छे से कूट के इनको एक पाउडरी फॉर्म में ले आऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कूट लिया है, और जैसे मैंने बताया अगर आप बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो आप मिक्सी में भी इनको घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको लेना होगा एक पैन के अंदर पानी, मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी लिया है, और जो हमारा लौंग हमने कूटा है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा जो पानी है वो आधा गिलास ना हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे से पकाना है, आपके जो पानी का कलर है वो डार्क चॉकलेटी कलर में या फिर कॉफ़ी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारा लौंग है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको उबाल लेंगे, देन हम इसको ठंडा करेंगे। तो अपना पानी बनके तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल उबल उबल के किस तरीके से आप देख सकते हैं बाउल चारों तरफ। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे पकाना है, जब तक हम पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी हाफ ना रह जाए। अब हम इसको पहले ठंडा करेंगे, आपको गरम गरम पानी के अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं, सबसे पहले आप इसको ठंडा करेंगे, देन हम इसके अंदर और हमारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देंगे। अगर आपका स्किन कलर डल हो चुका है उसको इन्हेंस करेगा, और एक्ने पिंपल का तो ये बिल्कुल दुश्मन है, दुश्मन। अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो 1 से 2 रात के अंदर अंदर आपका एक्ने, आपका पिंपल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और हाँ उनके दाग भी खत्म हो सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर चीज पे लगाएंगे। तो गाइज मैंने इसको छान लिया है और ये लगभग हमारा ठंडा हो चुका है। तो मैंने इसको छाना कैसे है, मैंने डबल छन्नी ली, ओके डबल, और उसमें से छाना, क्योंकि अगर आप एक छन्नी के साथ छानेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं हल्के हल्के से वो पानी में जा सकते हैं। या तो आप इसको एक कपड़े के साथ, सूती कॉटन का कपड़ा, या फिर आप डबल छन्नी के साथ इसको छानिएगा ताकि इसके अंदर कुछ भी ना बचे, ओके। तो इतना सा पानी हमें हमारा यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद आपको लेना है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, एक्ने पिंपल के साथ फाइट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारने में मदद करता है। मैंने यहाँ पे 5 to 6 drops इस ऑयल की डाल दी हैं। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी ऑयल डाल के इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बोलूँगी कि आपके पास एसेंशियल ऑयल होने ही चाहिए, तभी ये आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। हम इसको 2 हिस्सों में अभी डिवाइड करने वाले हैं, ओके। तो मैंने एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। फर्स्ट आपको बनाना है टोनर। अच्छा, दोनों मेथड आपको अलग अलग तरीकों से ही यूज करना है। मैं एक लूंगी स्प्रे बॉटल, तो ये जो पानी है इसमें से हाफ मैं भर लूंगी हमारी स्प्रे बॉटल के अंदर, ओके। तो ये आपका टोनर बनके तैयार हो गया है। कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो टोनर तो हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हमारा जो पानी है उसकी क्वांटिटी है आप देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच हमारे यहाँ पे लौंग का पानी बचा हुआ है, ओके। अब आपको इसके अंदर क्या डालना है, हमने टी ट्री एसेंशियल ऑयल तो डाल ही दिया है, अब आपको इसके अंदर डालना है हल्का सा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओके। आधा से थोड़ा सा कम चम्मच हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल, या फिर अगर आपके पास एलमंड ऑयल है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसे क्रीम कंसिस्टेंसी देने के लिए इसके अंदर आपको यूज करना है दही, ये घर का बना दही हो सकता है या फिर मार्केट वाला भी हो सकता है। दही डालेंगे, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो आपकी जो क्रीम है वो कुछ इस तरीके की बनके तैयार हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि बिल्कुल दही जैसे, लेकिन ये क्रीम है, ओके। माना कि मार्केट वाली जैसी नहीं है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना वो आपको मार्केट वाली से कहीं ज़्यादा बढ़ के मिलेगा,
ओके okay? उसके बाद आप लेंगे एक साफ खाली कंटेनर, ऑफ कोर्स जिसके अंदर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी क्रीम मैं आप लोगों को ऐसी बता रही हूँ जिन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्रीम हर स्किन टाइप के लिए है, ड्राई स्किन है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बस सेंसिटिव स्किन वाले इसका हल्का सा पैच टेस्ट जरूर करें और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं अगर कोई साइड इफेक्ट आपको अपनी स्किन पे नहीं दिखता है तो। तो मैंने क्रीम जो है हमारे कंटेनर के अंदर इस तरीके से भर दी है, ओके तो ये हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई। तो ये है टोनर और ये है क्रीम, आप देख सकते हैं क्रीम कितनी अच्छे बनके तैयार हुई है, कितनी शाइन है क्रीम के अंदर, ये देखिए बहुत ही प्यारी क्रीम है। और सबसे प्यारी आपको जब लगेगी जब आप इसको अपने फेस पे, अपने हाथों पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का तरीका आपका क्या रहेगा, ये जो टोनर है ये आपको दिन में यूज करना है, इसका जो स्प्रे है वो आप दिन में करेंगे, और ये जो क्रीम है ना ये आपको रात में लगा के सोनी है, आप इसको दिन में यूज नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, दिन में टोनर, और आप रात को सोने से पहले भी टोनर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे टोनर लिया है, थोड़ा सा और कर दूं, तो टोनर के साथ आपको अपने फेस पे बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है, पहले तो हल्की सी, इतनी मसाज करनी कि आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, ओके। तो मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया है, तो ये दिन में लगाना है, सिर्फ दिन में, दिन में आप क्रीम का यूज नहीं करेंगे। अब मैं इसको हल्का सा सुखा लूंगी पहले, थोड़ा सा अच्छे से स्किन के अंदर ये चला जाएगा, उसके बाद आपको रात में क्या करना है, अपना जो चेहरा है वो धो लेना है अच्छे से, आपके फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपका जो ये क्रीम है ये आपको लेना है अच्छे से, कोशिश करें कि आप फिंगर ना डालें, मैंने डाल दी है तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये क्रीम है ना ये इतनी अच्छी क्रीम होगी कि जब आप इसको सुबह, उतारने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुबह किस तरीके से उतारना है। तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया अपने हाथ पे, ओके तो मैं इसको अच्छे से रब करूंगी और मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी इसका अभी के अभी। तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि हाथ के ऊपर बहुत अच्छा प्यारा सा एक ग्लो है, लेकिन इसको उतार के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ओके तो मैं इसको पहले थोड़ा सा सूखने दूंगी। तो क्रीम अच्छे से पेनिट्रेट हो गई है, तो आपको पूरी रात भर के लिए स्किन पे क्रीम लगाई, पूरी रात भर के लिए छोड़ दी। देन जैसे आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं हल्का सा, आप देख सकते हैं दोनों हाथों में फर्क, ओके जैसे आप सुबह उठेंगे ना तो आपको जेंटली आपका जो फेस है ना वो कुछ इस तरीके से रब करना है, हल्के से आपको रब करना है आपकी स्किन इस तरीके से, वो जो क्रीम हमने लगाई थी ना उसकी एक हल्की सी लेयर निकलेगी, मतलब कि आपको दिखेगा कि आपकी स्किन से मैल निकल रहा है। तो जैसे 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 आप मसाज करेंगे ना तो बहुत अच्छे से एक मैल की परत आपकी निकल जाएगी और आपका जो स्किन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से सुबह उठ के अपने फेस पे हल्की सी एक मसाज देनी है आपको, जरूर देनी है, आप देखेंगे कि एक पतली सी लेयर निकलेगी जो ऑफ कोर्स बहुत ब्लैक होने वाली है, क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था ना क्रीम को, जब मैंने मसाज की थी तो ऑफ कोर्स एक पतली सी लेयर निकली थी, लेकिन मेरी स्किन पे से तो नहीं निकली है, लेकिन फेस पे लगाएंगे तो जरूर निकलेगी, आप देखना और फिर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, ओके तो आप देख सकते हैं दोनों हाथों में फर्क, चाहे आपको 19-20 का फर्क नजर आए लेकिन आएगा जरूर, आप देख सकते हैं। तो यार डेफिनेटली आप ये क्रीम और ये जो, आशा करूंगी कि आज का वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, अगर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।